यूपी में फिर से लॉकडाउन, सिर्फ अस्पताल और जरूरी सामान की दुकानें खुलेगी। जौनपुर डीएम दिनेश कुमार ने बताया कि कल रात को लेकर सभी लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले। कोरोना महामारी को लेकर डीएम दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना को लेकर सावधानी बरतने का सुझाव दिया। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। 10 जुलाई की रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सामान की दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे, बाकी की सभी चीजों पर पाबंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और संचारी के संक्रमण को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। सर ये बताइए, आप जौनपुर में क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? जौनपुर में सब लोग कल परसों अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से ना निकलें, पहली बात है। दूसरा, सबसे अपील है कि 2 गज की दूरी बना करके लोग रहें, मास्क का प्रयोग करें और हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करें। बिल्कुल। 62 साल से अधिक उम्र के लोग घरों से बिल्कुल बाहर ना निकलें, गर्भवती महिलाएं बिल्कुल ना निकलें, 10 साल से नीचे के बच्चे बिल्कुल ना निकलें, जिनको कोई बीमारियां पहले से हों, जैसे शुगर की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, टीबी की हो, इस तरह के लोग तो बिल्कुल ही ना निकलें। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, इससे हमको सतर्क रहना है, डरना नहीं है, इससे बच कर। दूसरा, ये जो सीजनल बीमारी आती है जून जुलाई अगस्त में, तो इससे बचने के लिए, संचारी रोग से बचने के लिए, उबला हुआ पानी हर आदमी पिए। पानी सुबह ही घर में उबाल ले, 20 लीटर पानी में 1 क्लोरीन की गोली डाल करके ठंडा करें 20-25 मिनट, और उसको ठंडा हो जाने के बाद छान करके रख ले, और दिन भर सब लोग पानी पिए, क्योंकि शुद्ध पानी होगा तो बीमारियां नहीं होंगी। पहला काम, काढ़ा आयुष मंत्रालय ने सुझाया, वो पीते रहें।